शिवलिंग पर इस वक्त चढ़ाएंगे जल तो मिलेगा कई गुना ज्यादा लाभ। शिव का अति प्रिय मास सावन शुरू हो चुका है। इस पूरे महीने में भक्तगण महादेव की उपासना में लीन रहते हैं। हिंदू धर्म में सावन माह का काफी महत्व होता है। कहते हैं कि इन दिनों भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ धरती पर भ्रमण करने आते हैं। ऐसे में जो भी भक्त पूरे सावन माह सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सावन में किए गए पूजा के फल में शिव शंकर कुमारी कन्याओं को मनचाहा वर, शादीशुदा लोगों को सुखी दाम्पत्य जीवन और निसंतान दंपतियों को संतान सुख का आशीर्वाद देते हैं। सावन में नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कई बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, वरना आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी। सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग पर कितने बजे यानी कि किस समय जल चढ़ाना चाहिए। यूँ तो भगवान की भक्ति किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन पूजा सही समय पर की जाए तो शीघ्र फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए एक समय सीमा तय की गई है, जिसमें भक्त उन्हें जल अर्पित कर सकते हैं और शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए प्रातःकाल 5 बजे का समय काफी उत्तम बताया गया है। सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है। वहीं शाम के वक्त शिवलिंग पर जल भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। अब जानते हैं कि शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर केवल जल चढ़ाएं, उसमें कोई भी सामग्री ना मिलाएं। शिवलिंग पर जल हमेशा तांबे के लोटे से ही अर्पित करना चाहिए। लोहे या फिर स्टील के बर्तनों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुँह करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिव जी को जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर जल जब भी चढ़ाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल कभी भी खड़े होकर नहीं बल्कि बैठकर चढ़ाएं। तांबे के बर्तन से शिवलिंग पर दूध भूलकर भी अर्पित ना करें। आप चाहें तो पीतल के बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय।